Deputy Speaker elect to take oath. रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं जाहिद अकरम दुरानी सिद्दिक दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा जब कभी मुझे बहसीयत स्पीकर कौमी असेंबली काम करने को कहा जाएगा मैं अपने फराइज वकार हाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम-ए-पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ्फुज़ और दफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रायत बिला रगबत व अनाथ कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। जनाब जाहिद अकरम दुरानी साहब नहमदुहू व नस्सल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने कायद मौलाना फजल रहमान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए चुना। हुकूमत में शामिल सारी जमातों का कि कायदीनों का शुक्रगुजार हूँ। अपोजिशन बेंचिस पर बैठे मेंबरान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे बिला मुकाबला और जनाब स्पीकर आपको इस स्पीकर और मुझे डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया जाए। जनाब स्पीकर हमारी जमात ने हमेशा
आईन और कानून की जंग लड़ी है और हमेशा आईन और कानून का एहतराम किया है। जनाब स्पीकर, हमारा ख़ानदान एक सिलसिला आ रहा है और ये खिदमत हमें विरासत में मिली है कि हमारे चाचा असदुल्ला खान दुरानी पहले MPA बने, फिर मेरे वालिद साहब आए सूबाई मिनिस्टर बने, मुख्तलिफ ओहदों पे हमारे ख़ानदान के अफराद जिसमें आज़म खान दुरानी हैं, इरफान दुरानी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे हमारे ख़ानदान के अफराद जिसमें आज़म खान दुरानी हैं, इरफान दुरानी हैं, जो अभी मेयर है इरफान दुरानी ज़िला बन्नू का, और आज़म खान दुरानी साहब MPA रह चुके हैं। मेरे भाई इस ऐवान के अभी भी रिकॉर्ड पे है, सबसे कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन थे, 25 साल और 2 महीने में MNA बने थे जी। मेरे वालिद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे, ओपोजिशन लीडर है, और हमारी जमात ने और हमारे ख़ानदान ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक ही जिस पोस्ट पे बैठे हैं हुकूमत चलाई है या ऐवान में है, आईन और कानून के मुताबिक ही हम चले हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे इस कुर्सी पे मुझसे पहले, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो शख्स बैठा था, ये डिप्टी स्पीकर बड़ी अहमियत बन गया है जी। अभी पूरी कौम की उस पर नजरें थी, लेकिन उन्होंने जो आईन और कानून के साथ किया, आईन को पामाल किया, जिससे इस कुर्सी का जो मोराल था वो नीचे गया, मैं पूरी कौम से, मैं पूरे ऐवान से ये वादा करता हूं कि इस कुर्सी का मोराल बहाल करूंगा इंशाल्लाह। और मेरे कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें यही सिखाया है कि हर जंग जो लड़नी है कानून और आईन के मुताबिक ही लड़नी है। जनाब स्पीकर, मेरे एक वर्कर है यहाँ पे लॉबी में बैठा होगा, उसने मुझे अजीब किस्म की बात की। वे उसने बोला कि आप खुशकिस्मत है, आपकी खुशकिस्मती है कि आपका स्पीकर अपना आपका अपना है। यहाँ पे तो इस तरह के लोग आए हुए हैं जो आईनी पोस्टों पे है कि मुंतखब वज़ीर आला से भी वोट नहीं लेते, प्राइम मिनिस्टर से भी लोग वोट नहीं लेते। तो मैंने कहा कि हाँ, कैबिनेट से भी नहीं लेते, तो मैंने कहा हाँ, मेरा स्पीकर मेरा अपना है और इंशाल्लाह कानून और आईन के मुताबिक ही वो फैसला करेंगे और हम भी इंशाल्लाह करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं अगर हल्के की बात ना करूं तो बड़ी ज्यादती हुई होगी। मेरा हलका जनाब स्पीकर मुल्क का सबसे बड़ा हलका है जी, आबादी के लिहाज से, जिसकी आबादी 12,67,000 है, और यहाँ से मैं वाहिद MNA हूँ जी। हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में इस तरह महसूस हो रहा है कि यहाँ से 2 MNA होंगे। जनाब स्पीकर, हमारी जनूबी अजला के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अब हम जब अपोजिशन में थे तो इस फ्लोर पे हम चीखते थे, पुकारते थे कि हमारे मसाइल हल करो, लेकिन आज इस ऐवान पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन से मसाइल है, कि वज़ीर आज़म से इंशाल्लाह हम खुद बात करेंगे, क्योंकि हमारा अपना वज़ीर आज़म है और उससे हल करवाएंगे। मैं आखिर में इंतहाई मशकूर हूँ सारे मेम्बरान का जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, मुझे अनअपोज मुंतखब किया, और मैं चाहता हूं कि वो मेरे ये दुआ भी करें, क्योंकि जो ओहदा मुझे मिला है उसको मैं आईन और कानून के मुताबिक जो चलाऊँ। थैंक यू जी, शुक्रिया जी।